श्री कृष्ण जय श्री राधे। तो सुबह सुबह मम्मी बैठ गई है सब्जी बनाने, क्योंकि आज है नंदोत्सव। बाहर मौसम बहुत अजीब था, कल रात को बारिश हुई थी बहुत तेज़, मतलब पूजा ख़त्म हुआ फिर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो रात को कोई प्रिपरेशन तो हुआ नहीं। तो सुबह ही मम्मी प्रिपरेशन कर रही है पूरा भोग का। ये देखिए जो जो बनने वाला है यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सब रेडी करके रखा है। मैं बाद में बताती हूँ कि क्या क्या है, अभी आप देख लो। ये देखो बहुत सारी चीज़ें जो श्री जी की कृपा से हो सकी हैं हमने दिया है लाला को, उनकी पसंदीदा। और अभी आपको मैं दिखूँगी एकदम डेंजरस हालत में। ये देखो मतलब मैं यहाँ पे बस आरती की चीज़ें, उनको ऑलरेडी श्रृंगार कर दिया है, हमने सेम पोशाक पहनाया है। और श्रृंगार करवाने के बाद वो देखो चॉकलेट लेके बैठ गए हैं, हम उनको डेरी मिल्क नहीं देते, मैंने ये हर्शीज दिया है उनको। देखिए श्रृंगार, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कल की तरह आज भी इनका चॉकलेट, चॉकलेट नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक ही दिया है, कहा है कि तुम तीनों को एक साथ खाना है। फिर मैं अभी लाने वाली हूँ इनका आज का भोग। ये यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का नहीं है, भैया ने भी बोला है कि भैया ने भी कुछ दिया था, वो भी हमने प्रसाद में दे दिया है। एक एक करके मैं अभी भोग लाऊंगी, उसके बाद थाल रेडी करके सजा के पूरे चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने आरती की चीज़ें सजा ली है, क्योंकि भोग निवेदन करने के बाद उसके साथ साथ ही हमको आरती कर लेनी है। तो साइड में आप देख सकते हो आरती की चीज़ें भी मैंने रेडी कर लिए हैं। और कल क्योंकि आरती मम्मी ने की थी, तो आज आरती मैं करने वाली हूँ। उन्होंने पहले ही कहा था कि एक दिन तू करेगी, दूसरे दिन मैं करूँगी। मैंने कहा नहीं, आज आप कर लो, कल मैं कर लूँगी। तो बैठ गए हैं, निवेदन कर दिया है अभी, नहीं निवेदन नहीं हुआ था इस टाइम को, मैं बस पानी लेके आ रही थी। अभी हम आरती करने वाले हैं, यहाँ मैं निवेदन कर रही हूँ, इसके बाद जैसा आरती होता है सेम वैसे ही मैं आरती करूँगी। माधुर्य लीला गुणरूप नाना श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। पूरी आरती हो जाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं ताकि लाला पाले। ये जो थाली है ये पूरी की पूरी भैया ने दी है बना के, इनमें जो चीज़ें हैं ये आंटी ने बनाई है नीचे, और बाकी चीज़ें मम्मी ने बनाई है। यहाँ पे आप देखो भाजी है केले की, फिर बहुत सारी सब्जियों का एक सब्जी है, शाक है, यहाँ पे आलू की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या क्या बताऊँ, फिर भी मेरे हिसाब से कम ही थी, क्योंकि लाला को तो 56 भोग का प्रसाद लगता है तो उतना तो जगह नहीं है। लेकिन हाँ श्री जी की कृपा से जब भी जगह होगी मैं कोशिश करूँगी लाला को हम 56 भोग का ही प्रसाद दे सकें। फिर भी जो श्री जी की कृपा से हो पाया है, हमसे बन पाया है मम्मी से, वो हम लोगों ने ट्राई किया है। अब देखा जाएगा, लाला ही खाएंगे, उनके प्रसाद कभी ख़राब हो ही नहीं सकते, वो भी वो ठीक कर लेंगे। तो यही था आज हम लोगों का नंद उत्सव का प्रसादम। सीधा पहुंच गए रात को, बीच में कोई क्लिप्स नहीं ले पाई थी। देखो कैसे शाम चॉकलेट लेके बैठा है, इसका ना यही है, चॉकलेट यही लेगा, किसी को नहीं देगा। रात को इन्होंने दूध पिया, उसके बाद मैं देखो श्रृंगार उतारने नहीं, फेस कितना टायर्ड लग रहा है, वैसे लग रहा है कि सच धच के थोड़ा सा टायर्ड हो गया है बच्चा। तो मैंने यहाँ पे इनका श्रृंगार उतारने के बाद इनका जो फेस था ना, सच में बहुत टायर्ड लग रहा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी उतार देती हूँ फिर सुला देंगे। ये देखो ये महान लुक से सीधा एकदम सीधा साधा, ये इनका पोशाक का जो ज्वेलरी था ये सब यहाँ पे रखती है। इसके बाद शाम को उसको मतलब उसका फेस ही ऐसा हो रहा था कि जल्दी खोलो। उसका ना ये भी है, अगर उसको ज़्यादा देर तक ऐसे रखेंगे ना तो वो खुद ब खुद सब उतारना शुरू कर देगा, कभी कानों के बालियाँ उतार देता है। ये देखो हो गया लंगोट में,
इसको जंपसूट पहनना कुछ दिनों से बहुत अच्छा लग रहा है, रात को ये हर रोज़ जंपसूट पहन रहा है। खैर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। श्री जी की कृपा से जो हो पाया है हमने किया है, हो सके तो अगली बार और अच्छे से मनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय बाय।